Just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है 2024 की TVS अपाची RTR 162V, जो कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे। और वहीं दूसरे मेरे पास है 2024 में लॉन्च हुई TVS अपाची RTR 162V का रेस एडिशन, जो कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे। तो गाइस, दोनों का कंपेरिजन करने वाले हैं कि दोनों में आपको क्या डिफरेंट मिलता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दोनों की जो प्राइस है ना, लगभग 6000 रुपए ऊपर नीचे देखने को मिलती है। ये 6000 रुपए सस्ती मिलती है और ये 6000 रुपए महंगी मिलती है। तो देखते हैं दोनों को कंपेयर करके कि क्या इसमें आपको ज्यादा मिलता है, क्यों इसकी कीमत कम रखी गई है। तो गाइस, अगर आप लोग भी 2V और रेस एडिशन को लेके कंफ्यूज हैं कि किसे लेना चाहिए, कौन सी बाइक आप लोग के लिए बेस्ट रहेगी, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इन दोनों बाइकों के बारे में फुल डिटेल में पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे, मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज अपना फीडबैक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोनों बाइकों के प्राइस के बारे में, तो आपको बता दें, सबसे पहले अगर हम 2V की बात करते हैं, जो कि ओल्ड मॉडल है, तो इसका जो ऑनरोड प्राइस है वो है 1,54,000 रुपए ऑनरोड प्राइस यूपी वाराणसी की। लेकिन अगर हम आते हैं 2V मॉडल के रेस एडिशन के बारे में, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो इसकी जो ऑनरोड प्राइस है वो है 1,60,500 रुपए। तो गाइस, लगभग क्या कहते हैं, 6,000 रुपए का प्राइस डिफरेंट देखने को मिलता है इसमें और इसमें। तो अगर हम बात करते हैं फ्रंट से, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले फ्रंट लुक दोनों का कुछ स्टेप मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे डुअल टोन में इसकी फ्रंट बॉडी मिलती है, वाइजर ब्लैक कलर में, बॉडी व्हाइट कलर में देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप लोग इसका ब्लैक कलर लेते हैं ना, तो उसमें आपको दोनों चीजें ब्लैक में देखने को मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर बल्ब देखने को मिलता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं मिलती, आप लोगों को क्लियर कर दें। एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम आते हैं रेस एडिशन में, तो यहां पर देखेंगे पूरी जो बाइक है ना, मैट फिनिश के साथ मिलते हैं, लेकिन इसका जो वाइजर है वो आपको ग्लॉस में मिलता है। साथ ही साथ टर्न इंडिकेटर वही सेम है, एलईडी डीआरएल, एलईडी हेडलैम्प। तो हेडलैम्प जो है ना, दोनों में सिमिलर मिलता है, लेकिन वो ग्लॉस फिनिश के साथ आती है और ये थोड़ा सा मैट फिनिश के साथ देखने को मिल रही है। मेडगार्ड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इस टाइप में ग्राफिक्स, यहाँ पे भी आपको ग्राफिक मिल जाता है, लेकिन ये ग्लॉस फिनिश के साथ, ये मैट फिनिश के साथ, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सस्पेंशन दोनों में आपको टेलास्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सुपर मोटो ABS इसमें भी मिलता है, इसमें भी आपको देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिलता है, जो कि पेटल डिस्क ब्रेक मिलती है। डिस्क ब्रेक की साइज हम आपको बता देते हैं कि क्या देखने को मिलता है। तो फ्रंट में आपको दोनों ही बाइकों में आपको 270 mm का पेटल डिस्क ब्रेक मिल जाती है विद सिंगल चैनल ABS के साथ। लेकिन यहाँ पे आप टायर पे आते हैं, तो टायर तो सिमिलर है, जो कि आपको 90/90 का 17 inch का ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, इसमें आपको 2V मॉडल में ब्लैक कलर का अलॉय व्हील मिलता है, लेकिन जो रेस एडिशन आती है ना, इसमें आपको रेड अलॉय व्हील देखने को मिलती है, जो कि काफी आई कैचिंग लगती है। तो आप लोग बताना किसका अलॉय व्हील ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसका या फिर उसका। और यहाँ पे साइड बॉडी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको काफी अच्छी रेसिंग वाली ग्राफिक, और इसमें भी आप देख सकते हैं काफी अच्छी रेसिंग वाली ग्राफिक्स देखने को मिलती है। लेकिन इसका जो फ्यूल टैंक का जो ऊपर देखेंगे, यहाँ पे आपको हॉर्स का जो लोगो मिलता है ना, आपको सिल्वर मिलती है, इसमें आपको ब्लैक कलर के देखने को मिल जाती है। जो अभी हाल ही में जो ब्लैक कलर लॉन्च हुआ था ना, ब्लेज ऑफ ब्लैक कलर लॉन्च हुआ था 2V में, उसमें जो ये मॉडल था ना, यानी कि जो ब्लैक कलर लॉन्च हुई थी, उसमें जो हॉर्स का 3D लोगो था ना, वो ब्लैक कलर मिलती थी, कोई स्टिकर कोई ग्राफिक्स नहीं मिलती थी, जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। आप लोग बताना कि ये रेस एडिशन का जो साइड प्रोफाइल है, ये आप लोग को कैसा लगा। और यहाँ पे रियर में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे साइड बॉक्स पे, यहाँ पे भी आपको काफी अच्छी ग्राफिक्स के साथ अपाची की स्टिकर, यहाँ पे भी आपको सेम बॉडी के साथ अपाची का स्टिकर देखने मिल जाता है। इसमें भी आप देख सकते हैं RTR 160 का स्टिकर, और यहाँ पे भी आप देखेंगे अपाची RTR 160 का स्टिकर देखने मिल जाती है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये जो ग्राफिक्स है ना, मैट ब्लैक कलर के साथ, ये जो थोड़ा सा कार्बन फाइबर वाली जो ग्राफिक्स मिले ना इसके बॉडी पे, ये मुझे काफी प्यारा लग रहा है। आप लोग को ये जो ग्राफिक्स है ना, आप लोग कैसे लग रहे हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्यूल टैंक पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2V का जो फ्यूल टैंक है, ग्लॉस फिनिश के साथ 12 liter देखने मिलती है, यहाँ पे ग्राफिक्स कुछ इस टाइप में। लेकिन अगर आप लोग रेस एडिशन में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 12 liter के फ्यूल टैंक कैपेसिटी, लेकिन यहाँ पे देखेंगे रेस एडिशन की ग्राफिक्स मिल जाती है। ये जो ब्लैक एंड ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन के साथ ये जो बॉडी मिल रही है, जो ग्राफिक्स मिल रही है इस बॉडी पे, ये इसके लुक को और ज्यादा प्रीमियम बनाती है। हैंडल बार पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंडल बार पे पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, इन्फो स्विच, इसमें भी आपको इंजन कूल स्विच, राइडिंग मोड स्विच देखने मिल जाता है। इसमें भी आपको सारी चीजें सेम मिलता है, हैंडल बार सेम मिलता है, क्लिप ऑन हैंडल बार, मीटर कंसोल, इसमें भी आपको डिजिटल और इसमें भी डिजिटल देखने को मिल जाती है। तो मीटर कंसोल में कोई अपडेट नहीं मिलता है। सीट पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सीट जो है डिजाइन सेम है, कुशनिंग सेम है, कोई डिफरेंट नहीं मिलेगा। स्प्लिट पिलियन ग्रेबिल, इसमें भी आपको ब्लैक कलर में, इसमें भी आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल रही है। रियर से दोनों में टेल लाइट जो है सेम देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप लोग अलॉय व्हील पहनेंगे तो रियर अलॉय व्हील इसमें आपको ब्लैक कलर में, इसमें आपको रेसिंग रेड कलर में देखने को मिल रही है। और एक चीज और नोटिस करेंगे आप लोग, इसका जो सस्पेंशन है ना, मिक्का सस्पेंशन मिलता है, इसमें भी आपको सेम मिलता है, लेकिन एग्जॉस्ट का कवर जो है ना, इसमें आपको क्रोम में मिलती है, लेकिन रेस एडिशन में
ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट का कवर देखने को मिलता है, जो कि ज्यादा प्यारा लगता है। तो गाइज अगर हम ओवरऑल बात करते हैं ना, तो रेस एडिशन और नॉर्मल 2V वेरिएंट में केवल और केवल कॉस्मेटिक चीजें चेंज हुई हैं, अलॉय चेंज हुआ है, बाकी चीजें जो इंजन की बात करते हैं तो दोनों का जो इंजन है ना सिमिलर मिलता है, केवल प्राइस 6000 का डिफरेंट मिलता है ग्राफिक्स अलॉय और कॉस्मेटिक चीजों के लिए। तो अब आप लोग बताना कि आप लोग को कौन सा मॉडल अच्छा लगा, रेसिंग एडिशन या फिर नॉर्मल 2V वेरिएंट, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि अगर आप हमसे पूछेंगे तो अगर आप लोग को केवल परफॉर्मेंस से मतलब है, आप लोग को पुराना वाला लुक अच्छा लगता है तो आप लोग 2V के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मैट कलर के लवर हैं, जो कि मुझे अच्छा लगता है, और आप लोग को थोड़ा सा ब्लैक कलर का मैटिस वाला जो लुक निकल के आता है ना वो आप लोग को अच्छा लगता है, रेड अराइवल चाहिए देखने में थोड़ा सा फ्रेश लुक चाहिए, तो आप लोग रेस एडिशन के साथ जा सकते हैं। तो गाइज अब आप लोग बताना कि दोनों में से कौन सी बाइक अच्छी लगी, कौन सी बाइक के साथ आप लोग जाना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज अपने तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। कोई डाउट है, कोई सवाल करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ के हेलमेट यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।